कुछ लोग जो है दंगाई पार्टी, कुछ ना कुछ झंझट बुनझट करता रहता है, इसी में अगर लोग लग जाएगा तो क्या काम होगा, क्या विकास होगा। अब आप देख लीजिए, बिहार के अलावा एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों में बहाली निकाली जा रही है। महागठबंधन की सरकार को और 4 लाख सरकारी नौकरी बहाली निकाल दी गई है। बताइए मोदी जी, हर साल 2 करोड़ दे रहे थे, कितना दिए? तो हम लोग काम कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जुमलाबाजी, कुछ लोग दंगा फसाद में लगा हुआ है। बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम लोग आगे लगे हुए हैं बिहार को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए सब लोग मिल करके साथ रहिए, लेकिन कुछ लोग जो है दंगाई पार्टी, कुछ ना कुछ झंझट बुनझट करता रहता है, इसी में अगर लोग लग जाएगा तो क्या काम होगा, क्या विकास होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो नौजवान को होगा, केसवा किस पे होता है, जेलवा के जाता है, इलाज किसका होता है, मरता कौन है? नौजवान मरता है, गरीब मरता है, फायदा किसको है, किसको फायदा होता है? जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर बांटने की, उनको फायदा होता है। हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी का हम लोगों ने बात कहा था, हमने चुनाव में उप मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी टोटल 20 लाख हम लोग जो है व्यवस्था करेंगे। अब आप देख लीजिए, बिहार के अलावा एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों में बहाली निकाली जा रही हो। लगभग 4 लाख बहाली जो है निकाली जा चुकी है, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला करके लगभग 1.5 लाख लोगों को हम लोग बहाल करने जा रहे हैं। लगभग सोचिए, 1 साल हुआ है महागठबंधन की सरकार को और 4 लाख सरकारी नौकरी बहाली निकाल दी गई है। बताइए मोदी जी, हर साल 2 करोड़ दे रहे थे, कितना दिए? हम लोग तो 1 साल के अंदर 4 लाख बहाली हम लोग सरकारी नौकरी का निकाल दिए। 2 साल तो भाजपा बर्बाद कर दी। अगर यही आशीर्वाद मिल गया होता तो कब का ये काम पूरा हो गया होता, लेकिन हम लोग उस काम को कर रहे हैं और ये सरकार रहते रहते 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हाथों में मिलने का काम होगा, इससे कहीं नहीं होगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जुमलाबाजी, कुछ लोग दंगा फसाद में लगा हुआ है। हम लोग लोगों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में कलम देना चाहते हैं और कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि आपके हाथ में कलम होगा कि तलवार होगा। इसलिए मिलजुल करके रहना है, भड़काने वाले लोगों से बचना है, और जो लोग भड़काएगा, जो लोग गलत काम करेगा, तो ये महागठबंधन की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, सलाखों के पीछे बंद करने का काम करेगा, चाहे कोई